हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले टाइटन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 13th दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइटन में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन टाइटन में 1.42% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई 2339.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हुआ जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा मैं कहूँगा यहाँ पे वॉल्यूम जो हमें देखने मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है यहाँ पे 50 EMA के ऊपर यहाँ पे हमें देखने मिले। छोटा सा यहाँ पे कैंडल बना है जो यहाँ पे डायरेक्ट जो है 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन 50 EMA के अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मैं कहूँगा यहाँ पे क्लोजिंग हमें दी है। बाकी अगर बात करें हम RSI की, RSI जरूर 44-43 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ से जो है एक अपसाइड मूवमेंट का इशारा जरूर देता है, थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखिए RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक का जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 EMA का जो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो था वो वहाँ जो है तोड़ते हुए नीचे गया है। जरूर यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट लिया जो रिटेस्ट करने के लिए 20 EMA को आ सकता है, लेकिन उसको सस्टेन करेगा या उसको क्रॉस करेगा या फिर नहीं वो हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। करंटली मेरा ओपिनियन स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव का है। आपका क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा कि किस तरह से हमारा जो स्लाइटली नेगेटिव का यहाँ पे ओपिनियन बनता है, तो चलिए अब देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है हमारे 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो उसको यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है यहाँ पे हेल्प करेंगे यहाँ पे आपको डिटरमाइन करने में, तो जरूर जो आप यहाँ पे इसको मार्किंग कर ले। बाकी यहाँ पे हम जो है आप सभी के लिए जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है आपका यहाँ पे वीडियोज लाए जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप वहाँ पे उसकी हेल्प से जो है यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। सारी बात हमने कही तो जरूर उसको भी आप देख ले। अब बात रही यहाँ पे इसके क्लोजिंग की, मार्किंग तो हो गई है। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2337 पे यहाँ पे जो है क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 2326 का और यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो 2359.90 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है अगर आपको जो है इस बीच में ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को देखते हुए जो है यहाँ पे अपना टारगेट जो है थोड़ा सा उससे पहले रखना ताकि वो इजीली अचीव हो जाए। बाकी यहाँ पे अगर आपको जो है देखना है कि आगे किस तरह से यहाँ पे हमें जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को किस तरह से यहाँ पे जो है हमें देखना है और साथ ही साथ यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल को किस तरह से देखना है वो सारे का सारा जो है हमने वीडियो डिटेल में आप सभी के लिए जो है हमारे पुराने वीडियोस में लाया है, पुराने स्टॉक के वीडियोस में लाया है जहाँ पे हमने बात की है
कि किस तरह से आप सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे देखते हुए जो है अपना टारगेट डिटरमाइन कर सकते हैं, कितना डिफरेंस में आपको रखना है, सारी की सारी बात कही है। तो जरूर उसको देख ले जो यहाँ पे आपको 8 से 9 मिनट के बीच में आपको जो है वो हमारा 8 मिनट के ऊपर मोस्टली यहाँ पे आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। जो ज्यादा टाइम वाला है उसको आप देख ले ताकि वहां पे आपको पूरा का पूरा वहां पे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। कोई भी स्टॉक का आप देख ले, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना ज्यादा जरूरी है। स्टॉक कौन सा हो वो आप जो है कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक उस स्टॉक में किस तरह से उसको अप्लाई भी करना है। बाकी यहाँ पे हम रोज के रोज जो है आप सभी के लिए वीडियोस तो जो है लाते ही रहते हैं, तो उसको भी आप जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद दो सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद दो रेजिस्टेंस उनकी, तो वो मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट सपोर्ट के बाद यहाँ पे हमारा सपोर्ट आता है 2295 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 2281 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 2395 का, और उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है 2419 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस जोन जो आपको बता दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मंडे के लिए। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूंगा मंडे को मुझे ऐसा लग रहा है इस स्टॉक में आपको जरूर जो एक अपसाइड मोमेंट देखने मिल सकता है। अपसाइड मोमेंट यहाँ पे आपको जो 2395 से लेकर 2359 के बीच में आपको आते हुए देखने जरूर ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ओपिनियन जो अपसाइड का है, आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।